बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के केस के बाद कई सारे लोगों के नाम ड्रग्स से संबंधित काम के अंदर जुड़ते चले जा रहा है और अभी हाल ही के अंदर कॉमेडियन भारती सिंह का नाम भी इसके अंदर सामने आया था, जिसके बाद ये खबर आई कि उन्होंने ड्रग्स लेने की जो बात है वो कबूल कर ली है और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इसी के साथ जो एजेंसी ड्रग्स लेने की जाँच करती है NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसके बारे में खबरें आ रही कि कल मुंबई के गोरेगांव में वहां पर NCB के जो डायरेक्टर थे समीर वानखेड़े, उनके ऊपर और उनकी टीम के ऊपर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि ये हमला उन्हीं लोगों ने किया है जो कि ड्रग्स का लेन देन करते थे, मतलब वो ड्रग्स पेडलर्स थे। हमले के अंदर इसके अंदर लगभग अभी तक रिपोर्ट के हिसाब से 2 लोग घायल हो चुके हैं। ये हमला कल शाम मुंबई के गोरेगांव के अंदर किया गया था। हमले के बाद इस हमले की इन्वेस्टिगेशन की गई और जिसके अंदर लगभग अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब जैसे ही NCB के जो ऑफिसर्स थे, मतलब कि जो ड्रग्स लेने वालों की जांच करते थे, उन्हीं के ऊपर अब हमले होने शुरू हो चुके हैं, तो इंटरनेट पर इनका नाम काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आगे भी मेरे कंटेंट देखने चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।